पठानकोट मंडी फोरलेन मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा महामंत्री रणवीर सिंह निक्का का विरोध किया है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुशील मिंटू ने कहा कि भाजपा महामंत्री आज फोरलेन मुद्दे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम कि केंद्र की उनकी सरकार ने ये सर्वे करवाया। उन्होंने कहा कि उस समय रणवीर सिंह निक्का ने कुछ नहीं कहा और अब चुनाव नजदीक आते ही लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पंचायती राज सेल के पूर्व अध्यक्ष विक्रम पठानिया शुन्ना ने कहा कि 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, उस समय रणवीर सिंह निक्का भाजपा महामंत्री थे और खुद को सांसद शांता कुमार का करीबी मानते थे। उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह निक्का बताएं कि पिछले 4 वर्षों में फोरलेन प्रभावितों के लिए उन्होंने और शांता कुमार ने क्या किया। उन्होंने कहा कि आज वे कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय महाजन पर फोरलेन प्रभावितों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अजय महाजन ने ही पिछले 4 वर्षों में फोरलेन प्रभावितों की आवाज़ उठाई है। वहीं कांग्रेस नेता संदेश डडवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव चौधरी ने कहा कि अजय महाजन पर सवाल उठाने से पहले रणवीर सिंह निक्का अपने गिरेवान में झांके। जिला के महामंत्री निक्का जी ने प्रेस वार्ता गुंडवाल में की थी, उन्होंने फोरलेन के बारे में जो जिक्र किया, उनको यही मालूम नहीं था कि सेंटर में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने ही सर्वे करवाया और ये जहाँ जिला के महामंत्री थे और 16 और 17 में सर्वे और 17 में ये बीजेपी की सरकार आ गई, उनके लिए इन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई 4 साल पहले। इसके लिए ज़बरदस्ती जो अजय महाजन का नाम इन्होंने थोपा, उसको यही मालूम कि 4 साल अजय महाजन ही फोरलेन के लिए इन फोरलेन प्रभावितों के लिए संघर्ष करते रहे और हम धरना प्रदर्शन करते रहे, इनके नाम तक नहीं लिया। आज वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे क्योंकि ये जिला के महामंत्री होने के नाते जो यहाँ के मंत्री है, ना तो उन्होंने किया और ना ही इनको अपनी पार्टी अपने इसमें जेल रही है, इस कारण ये बदोबदी कांग्रेस के सरकार पे थोपे जा रहे हैं। इसलिए परसों जो रणवीर सिंह निक्का जी ने जिला महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री अजय महाजन जी पे आरोप लगा रहे हैं कि जब अजय महाजन जी MLA थे तो उन्होंने फोरलेन के लिए कुछ नहीं किया। तो निक्का जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता 17 में बीजेपी की सरकार आ गई थी, तो उस टाइम शांता कुमार जी हमारे जो आपके MP थे, आप उनके टाइम उस टाइम उनके बड़े क्लोज थे निक्का जी, तो आपने उस टाइम क्या करा 17 में जब आपकी सरकार आ गई थी नूरपुर में? तो आपने तो मेरे हिसाब से एक बार भी फोरलेन के लिए कोई संघर्ष या कुछ करा। तो हमारे विधायक जो हमारे विधायक अजय महाजन जी जिला कांगड़ा के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमें पीछे एक फोरलेन के लिए राजेश पठानिया जी ने शायद भूख हड़ताल करी थी 17 दिन की, उस पर हमारे सेवा दल के श्याम जी और हमें भी उन्होंने राजेश जी ने श्याम जी ने बुलाया, 2-3 दिन हम भी धरने पे भूख हड़ताल पे बैठे रहे। तो आपने तो महामंत्री साहब एक बार भी नीचे चुगान ग्राउंड से नीचे कार लाने का कष्ट नहीं करा, और मंत्री साहब ने भी एक बार भी उस टाइम MLA थे गए पठानी, एक बार भी नीचे नहीं उतरे। तो वो ऐसे बोलते जी उठ जाएंगे भाग जाएंगे जे, तो फिर वो धन्यवाद है DC साहब प्रजापति जी का जिन्हें 17 दिन के बाद वो अनशन उठाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निकल ये गिड़ियाली आंसू मत बहाओ, लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो, तीसरे दिन आप आ जाते हो। तो आप महामंत्री हो, सरकार में हो आप, पिछले 10 साल से आप महामंत्री हो, पहले आप बोलते थे शांता कुमार मेरा खास, आप बोलते हैं अनुराग ठाकुर के मैं बहुत खास हूँ, तो अनुराग ठाकुर जी सेंटर में मंत्री हैं, तो हमारे जो जिला कांगड़ा के अध्यक्ष हैं श्री अजय महाजन जी पूर्व विधायक हैं उन्होंने, और हमारे जो उनके डैडी थे श्री सत महाजन जी स्वर्गीय, वो फील्ड मार्शल के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने आपको सर्टिफिकेट नहीं देना क्या काम करें हमने, जो उन्होंने क्या काम करें उनके काम, फील्ड मार्शल का नाम जो राजा वीरभद्र स्वर्गीय राजा वीरभद्र रखा था, तो पूरे हिमाचल में उनका नाम था फील्ड मार्शल। तो आपको जो हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अपना बायोडाटा दो, आप तीसरे दिन आप खबरों में आ जा रहे हो, 4 साल नहीं, तो आपको 10 साल हो गए महामंत्री बने हुए, आपने कहाँ एक ईंट भी लगाई राजेश पठानिया से आपके अंड बनने से, आपने तो दोनों ड्रामा डाला हुआ है, एक महामंत्री एक मंत्री सरकार में बैठे हो आप दोनों, तो आपसे लोग जवाब पूछ रहे हैं, आप तो लोगों को बेवकूफ़ बना जा रहे हो। ये जे नहीं वजह सरकार आपकी थी, आपने करना था अनुराग ठाकरे, आप बड़े खास बनते हो, तो अनुराग ठाकरे महामंत्री है दिल्ली में, कोई छोटी मोटी बाबर नहीं है, तो आप उनको बोलना था जे मंत्री चाहे तो 2 दिन में जो सारी रिपोर्टें आ चली जाती हैं, जे जो क्लेम है वो बोलते फैक्टर 2 में देना है, तो फैक्टर 1 में भी नहीं आप ढंग से दिला पाए, तो ये गड़ियालियां सुमधुर हो और दुनिया सब आपको जानती है। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए नूरपुर से साहिल डडवाल।